मुख्य मुद्दा आम आदमी ने जो प्रोटेस्ट दिया है ना, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के डीसी के माध्यम से सीएम साहब को ज्ञापन दिया है, बेरोजगारी के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, रोजगार के ऊपर, और जो ये महंगाई है ना, किसी घर में सब्जी बनाने के पीछे नहीं, हर एक आदमी इतना दुख है, इतना दर्द है, आप समझ नहीं पाओ, गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया। आपको लगता है कि महंगाई हुई है? बहुत, इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है, घर में चूल्हा जलाने के पैसे नहीं। अच्छा, आम आदमी पार्टी कल भी बड़े स्तर पर भिवानी में कार्यक्रम कर रही है, हाँ क्या हो? भाई आम आदमी सड़कों पर आ गई है, और इतने ये सरकार आम आदमी की बातें नहीं मानेगी ना, रोजगार नहीं देगी, महंगाई नहीं घटाएगी, इतने सड़क बनेंगे। आम आदमी पार्टी पंजाब में भी है और हाँ। दिल्ली में भी है, क्या वहाँ रोजगार पूरे हैं? बिल्कुल, वहाँ बहुत रोजगार है। अभी पंजाब में 28,000 कच्चे कर्मचारी अभी तुरंत करे हैं, हाँ पक्के करे। तो हरियाणा में क्या स्टैंड रहेगा? हरियाणा में भी बहुत बढ़िया स्टैंड रहेगा, हर एक बेरोजगार रोजगार मिलेगा, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा रहेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा भ्रष्टाचार खत्म होगा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा दिया जाएगा। अब समय आ गया कि सरकार के खिलाफ लगातार सड़कों पर रहेंगे? बिल्कुल समय आ गया, इतने चुनाव नहीं होता, इतने सुधरेंगे ना बीजेपी वाले, इतने हम सड़का भरेंगे।